हाय फ्रेंड्स, बरसात का मौसम चल रहा है और इस मौसम में डॉग्स को कुछ प्रॉब्लम भी होता है, तो आइए इस वीडियो में बात करते हैं रेनी सीजन प्रॉब्लम्स के बारे में। तो सबसे पहले जो प्रॉब्लम डॉग्स के सामने आते हैं वो है पिंपल्स और रेडिनेस के प्रॉब्लम, जिसमें डॉग्स के शरीर में कुछ लाल जैसे फूसे निकालते हैं और उसमें काफ़ी सारे खुजली भी पैदा करते हैं। इसके अलावा कुछ एलर्जिस टाइप का खुजली भी डॉग्स को होता है इस बरसात के मौसम में। नेक्स्ट में बात करते हैं जो सबसे गंभीर समस्या है वो है जू यानी कि टिक्स या फ्लीस के प्रॉब्लम, जो कुत्ते के शरीर में हो जाते हैं और डॉग्स इसमें काफ़ी सारे प्रॉब्लम में आ जाते हैं। ये जो टिक्स और फ्ली है वो खून चूसते हैं डॉग्स का और धीरे धीरे बढ़ जाता है। फिर आता है आपका आई प्रॉब्लम डॉग्स का, जो आई एलर्जी होता है, आँख लाल हो जाता है इसमें। फिर बरसात का पानी ज़्यादा शरीर में लगने से डॉग्स को रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम यानी कि सांस की समस्या भी होता है। इस समय डॉग्स को थोड़ा ध्यान रखना चाहिए और थोड़ा गर्म रखने की कोशिश करना चाहिए। तो आप देखें कि बरसात के समय डॉग्स को क्या क्या प्रॉब्लम हो सकते हैं, इसीलिए हमें चाहिए उनको सूखा और साफ़ सुथरा रखने के लिए। अगर आप अपने डॉग्स को नहलाते हैं तो नहलाने के तुरंत बाद उसे ड्रायर से या किसी सूखे कपड़े से सूखा देना चाहिए ताकि वो उसका शरीर भीगा ना रहे। इसके अलावा जिस डॉग्स में टिक्स या फ्लीस का प्रॉब्लम है, दूसरे डॉग्स को उससे दूर रखना ही बेहतर होता है। डॉग्स को फ्रेश पानी जरूर दीजिएगा इस टाइम में ताकि उसका डाइजेस्टिव सिस्टम अच्छा रहे। आगे और जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। थैंक यू।